सो हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल YTR गगन। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया ऐप पर क्या ट्रेंड हो रहा है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब दैन। ठीक है, आप सोशल मीडिया के किसी भी ऐप पर जाके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आपको यही ट्रेंड होता दिखेगा, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब दैन। ठीक है, चाहे आप इंस्टाग्राम की बात कर लो, चाहे आप ट्विटर की बात कर लो, या चाहे किसी भी सोशल मीडिया ऐप को देख लो आप, वहाँ पर यही चीज़ दिख रहा है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब दैन। तो गाइस, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, मैं थोड़ा इस वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस, मुझे पता है कि मेरा मेन टॉपिक कुछ और है, बताऊँगा उसको आगे, बताऊँगा वीडियो में। ठीक है, तो गाइस क्या हुआ था, इसके पीछे की स्टोरी क्या है पता है कि एलविश यादव करके एक यूट्यूब क्रिएटर है, आप उनको जानते होंगे गाइस, बहुत बड़ा क्रिएटर है वो। ठीक है, यूट्यूब क्रिएटर है, तो उन्होंने नहीं क्या टिकटॉकर्स के कुछ कंटेंट क्रिएटर है गाइस, टिकटॉकर्स कुछ क्रिएटर्स है, तो उन्होंने उनके ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया था। ठीक है गाइस, और लक्ष्य चौधरी करके एक यूट्यूब क्रिएटर है, उन्होंने भी टिकटॉकर्स के ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया था। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं कि गाइस उन्होंने सभी टिकटॉकर्स के लिए बोला था, जो अलते वलते 7 GB वाले वीडियोज़ बनाते ना गाइस, उन लोगों के ऊपर उन्होंने रोस्ट वीडियो बनाया था। ठीक है, फिर क्या हुआ गाइस कि एक टिकटॉकर क्रिएटर है जिसका नाम है गाइस आमिर सिद्दीकी। ठीक है, उसने अपने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने गाइस बहुत यूट्यूब के लिए बहुत सी बातें बोली, उसने गाइस बहुत गलत भी बोला उसने यूट्यूबर्स के बारे में। तो गाइस हुआ क्या, उसके बाद उसने नहीं क्या उस वीडियो में बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर को टैग करा, उसमें केरी मिनाती को भी उसने टैग करा था। ठीक है, तो वो वीडियो जाके पहुँचा केरी मिनाती के पास में। ठीक है, तो वो केरी मिनाती ने उस वीडियो को देखा, फिर उसने गाइस उसका रिप्लाई देने के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया, जो कि आप देख चुके हैं, केरी मिनाती का जो वीडियो है गाइस, उसने वो आपने वो वाला वीडियो देख लिया होगा केरी मिनाती का, जो उसने यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसका नाम था गाइस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड। तो गाइस उसने तो उस वीडियो ने केरी मिनाती का जो वीडियो था ना गाइस, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ लिए थे यूट्यूबर्स के, कि अगर उसमें लाइक की बात की जाए तो गाइस उसमें 5 घंटे में 5 मिलियन लाइक क्रॉस कर देते, और अगर सब्सक्राइबर की बात की जाए तो गाइस 24 घंटे में उसने 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए थे। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। ठीक है गाइस, तो गाइस वो और उस पर अभी 73 से भी ज़्यादा मिलियन व्यूज़ थे, लेकिन क्या हुआ था कि अभी वो वीडियो डिलीट हो चुका है, और वो वीडियो डिलीट क्यों हुआ है गाइस अभी अभी तक किसी को नहीं पता है उसका गाइस, रीज़न तो मुझे नहीं पता है, या शायद किसी को पता होगा, लेकिन गाइस उसका रीज़न अभी तक मुझे नहीं पता कि वो वीडियो डिलीट क्यों हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उस वीडियो को बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया है, और उसने उस वीडियो में हमें केटी मिनाती ने बहुत सी गालियाँ भी बकी है, इसलिए यूट्यूब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो गाइस ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब ने इस कारण से केटी मिनाती ने गालियाँ बकी, इस कारण से उस वीडियो को डिलीट किया होगा। इसलिए गाइस मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि अगर यूट्यूब को उस वीडियो को डिलीट करना ही होता तो वो एक दिन में डिलीट कर देता। ठीक है, अगर YouTube वालों को उस वीडियो को डिलीट करना होता ना गाइस, तो वो एक दिन में कर लेता, क्योंकि और पहली बात तो गाइस ये है कि केटी मिनाती ने पहली बार गालियाँ नहीं बकी, उसकी हर एक वीडियो में उसने गालियाँ बकी हुई है, तो YouTube वाले ने कहीं सारी उसकी वीडियो डिलीट नहीं करी है। और गाइस ऐसा नहीं है कि केटी मिनाती की वीडियो डिलीट हुई है, यहाँ तक कि जो एलविश यादव है ना गाइस, उसने भी टिकटॉक पे रोस्ट किया था, उसकी वीडियोज़ भी डिलीट हो गई है, लक्ष्य चौधरी की भी वीडियोज़ डिलीट हो चुकी है ना, तो गाइस डिलीट हो चुकी है। तो गाइस मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ रीज़न होगा कि केरी मिनाती के गाली बकने से वीडियो डिलीट हो गई। हाँ पता, उसने लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ बोला, लेकिन गाइस इससे पहले भी उसने वीडियोस बनाई थी लड़कियों के लिए, उसने गालियाँ भी बकी थी, लेकिन पहले की वीडियो डिलीट नहीं हुई है, और यही की वीडियो डिलीट हुआ। अब वो गाइस वो वीडियो नहीं आएगा। ठीक है गाइस, वो जो वीडियो है केरी मिनाती का, वो वीडियो रिटर्न नहीं आएगा, ऐसा क्योंकि गाइस केरी मिनाती ने खुद बोला है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर, उसने एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, उसमें उसने बोला है कि जो वो वीडियो है वो वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, वो डिलीट हो चुका है वीडियो, तो रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन गाइस हाँ, अगर वो वीडियो होता ना गाइस, तो यूट्यूब की तरफ टॉप का वीडियो था गाइस, क्योंकि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ देते। तो अभी देखो क्या होता है, अब वीडियो तो रिटर्न नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ वो वीडियो याद रहेगी गाइस। ठीक है, वीडियो डिलीट होने के बाद में कुछ यूट्यूबर्स के रिएक्शन है गाइस, जो कि आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेंगे, तो आप रिएक्शन को जरूर देखना है। उसमें गाइस अमित बड़ाना भी है, एलविश यादव भी है, लक्ष्य चौधरी भी है, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्रिएटर है, तो उनके रिएक्शन आप वीडियो के एंड में जरूर देखना। तो गाइस मैं तो ये कहूँगा कि आप केरी मिनाती को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, और हो सके तो मुझे भी सपोर्ट कर दो, मुझे सब्सक्राइब का एक बटन है लाल कलर का, उसको दबा दो। ठीक है,
और जो पास में घंटे का बटन आएगा उसको भी दबा देना। और हाँ गाइस, एक बात और कि जो आपके टिकटॉकर किंग है फेदू, मतलब फेजू, तो फेजू का एक यूट्यूब अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और मतलब फेजू ने क्रिएट किया है और उसने एक अपना वीडियो भी अपलोड किया है। और गाइस फेजू का फर्स्ट यूट्यूब चैनल, फर्स्ट वीडियो, और जो उसको प्रसाद मिला है ना गाइस, आप सोच भी नहीं सकते जितना उसको लाइक नहीं है ना, उससे ज़्यादा उसको डिसलाइक है। आप मिस्टर फेजू करके आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं उसका, और जितने उसको लाइक नहीं है उससे ज़्यादा डिसलाइक है, ठीक है। तो गाइज़ अब उसको तो ख़तरनाक बेइज्जती भी हो चुकी है उसकी, अब फिर भी उसने यूट्यूब चैनल बनाया, पता नहीं अगली बार एक वीडियो अपलोड करेगा कि नहीं करेगा, तो वो जबकि जब देखेंगे। लेकिन हाँ गाइज, जो उसका पहला वीडियो ना गाइज, ख़तरनाक वाला प्रसाद मिला हुआ है, तो आप जाके तो देख सकते हैं। सो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नया आया हो ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद मुझे बेल का आइकन उसको प्रेस ज़रूर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और क्या करना बस इतना ही कर देना, बस सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गाइज़ एंड के रिएक्शन ज़रूर देखना जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के। गाइज हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, लूट लिया, अब तो बहन जो आगे क्या ही बोले। भाई एक चीज़ थी जो आज सही प्रूव होगी, इनकी ना हाय बहुत जल्दी लगती हैं, समझ गए। वो मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी वीडियो डिलीट हो गई, तुमने डिलीट कर दी। भाई मैं क्यों करूँगा डिलीट यार, पहली बात तो ये, और दूसरी बात यूट्यूब वूट्यूब का पता नहीं क्या सिस्टम चल रखा, कम्युनिटी गाइडलाइन, साइबर बुलिंग, भाई देख रहा हूँ अभी मैटर कुछ होता तो मैं अपडेट करता हूँ यार। ये चीज़ मेरे को बहुत बेकार लगती है, जब झेला नहीं जाता पब्लिक अपने उस पर आ जाती है कि रिमूव करवा रहे। भाई रिमूव करवाने तुम्हारा पूरा चैनल रिमूव करवा दूंगा, पर ऐसा अच्छे थोड़ी लगा किसी की वीडियो रिमूव करवा रहे हो, मेरी वीडियो रिमूव करवा रहे हो। देखते हैं अभी, देखो भाई जो भाई मेरे वीडियो भाई रिमूव हो गई, यूट्यूब से सुबह सुबह बात करेंगे जो भी होगा। कैरी भी परेशान है यार, हम भी परेशान हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। वीडियो मुझे लगता नहीं वापस आएगी, कुछ इनका कोर्ट वोट के सीन के थ्रू हुआ शायद, जो भी हुआ ठीक है यार। अभी चैनल का यार रिस्क तो जो है, मेरे को और किसी चीज़ का डर नहीं रहता, ठीक है अभी। लेकिन शायद कम्युनिटी की वार्निंग ही आई है, स्ट्राइक नहीं आई, और फिर बनाएंगे यार कुछ और नई वीडियो में, इसलिए यार किसी चीज़ को इतना खींचता नहीं। और भाई मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ रिलीजन बेस पे पॉलिटिकल या कुछ ऐसा बोलूँगा, अब से ओनली नॉर्मी कॉमेडी।